नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं Realme 7 Pro के बारे में। दोस्तों आज मैं आपके सामने इस फ़ोन के कुछ बेस्ट फीचर दिखाऊंगा कि इस फ़ोन में दोस्तों हमें कुछ ऐसे फीचर मिलते हैं जो दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फीचर दिखाने वाला हूँ इस फ़ोन के जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों उससे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जी है मेरे पास Realme का 7 Pro 6GB और 128GB वाले वेरिएंट। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इसके कुछ फीचर दिखाने वाला हूं कि इस फ़ोन में हमें कुछ नए नए फीचर देखने को मिले हैं एंड्रॉयड 11 के अपडेट के बाद। तो दोस्तों क्या वो फीचर हैं मैं ले चलता हूं आपको मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये मेरे पास Realme 7 Pro। दोस्तों आज मैं आपके सामने इसके कुछ दोस्तों अच्छे फीचर बताऊंगा जो दोस्तों इस फ़ोन में काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो दोस्तों सबसे पहले फीचर की बात करें तो जैसे दोस्तों आप डिस्प्ले पर डबल क्लिक करते हो ये देखिए तो इस फ़ोन का लॉक लग जाता है। दोस्तों इस फ़ोन में एक ऑप्शन दिया गया है कि जब आप इस फ़ोन को लॉक करते हो, लॉक करना चाहते हो तो दोस्तों आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डबल क्लिक करके ही इसका लॉक लगा सकते हो। जैसे भी दोस्तों मैंने ये आपको दिखाया था ये देखिए। दोस्तों आपको ये कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दोस्तों डिस्प्ले पर मेन पेज पे आना है और आपको इस पर क्लिक करके रखना है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा ये वाला, तो आपको इस एरो पर क्लिक करना है, फिर आपको दोस्तों मोर पर क्लिक करना है और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डबल टैप टू लॉक। दोस्तों आपको इसको अनेबल कर देना है। दोस्तों मैंने इसे अनेबल कर दिया इसलिए मेरे फ़ोन में डबल क्लिक करने से लॉक लग जाता है। दोस्तों अब दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब हमारा लॉक लगा होता है फ़ोन का, डिस्प्ले बैक होती है, तो दोस्तों हमें क्या है हमें जरूरत पड़ती है डिस्प्ले पे कुछ देखने की, नोटिफिकेशन वगैरह देखने की, तो आप क्या कर सकते हो उस पर डबल क्लिक कर सकते हो। जब आप डबल क्लिक करोगे बंद डिस्प्ले पे तो आपकी डिस्प्ले की लाइट जल जाएगी। दोस्तों इसका लॉक इसलिए खुल गया है क्योंकि इसमें फेस लॉक लगा हुआ है और मेरी यहाँ पर इसका लॉक खुल गया है। तो दोस्तों जब आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है इस तरीके से। तो दोस्तों जी कैसे आप ऑन कर सकते हो इसके लिए दोस्तों आपको फिर से उसी ऑप्शन में आना पड़ेगा, डिस्प्ले वाले में मोर पर आना पड़ेगा और यहाँ जाने का दोस्तों नीचे देखिए एक ऑप्शन आता है ये देखिए डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन। जब आप इसको इनेबल कर देते हो तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो वाला सिस्टम ऑन हो जाता है। तो दोस्तों ये दोनों काफ़ी अच्छे फीचर हैं जिन्हें आप दोस्तों इस फ़ोन में यूज कर सकते हो। अब दोस्तों अगले फीचर की बात की जाए तो दोस्तों वो है इसका जो मैसेज वाला बॉक्स, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें गूगल वाला सिस्टम मिलता है। दोस्तों आप देखिए इसमें मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज पड़े हुए हैं कंपनी के जो होते हैं, जो बैंक के और दोस्तों जो पर्सनल मैसेज होते हैं काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। बट दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं पर्सनल ट्रांजैक्शन OTP वगैरह ऑफिस ऑफर वगैरह। दोस्तों अगर आपको इसमें अपने सिर्फ ट्रांजैक्शन वाले मैसेज देखने हैं और बल्कि दोस्तों इसमें काफ़ी सारे मैसेज पड़े हुए हैं बट दोस्तों आपको सिर्फ देखने हैं अपने ट्रांजैक्शन वाले, दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे बैंक अकाउंट में या फिर किसी भी ऑनलाइन साइट पर, तो दोस्तों आपके सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो होने लगेंगे और दोस्तों आपको कोई भी और मैसेज नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन वाले मैसेज दिखेंगे। और दोस्तों आपको अपने पर्सनल मैसेज देखने हैं तो आपको इसे करना है। तो दोस्तों आपको जितने भी मोबाइल नंबर वाले मैसेज होंगे जो आपने किसी के पास किए हैं या फिर आपको किसी ने भेजे हैं तो वहाँ पर शो हो जाएंगे। दोस्तों इधर आपके फ़ोन में जो जितने भी OTP आए होंगे चाहे दोस्तों कहीं से भी आए हों वो सारे मैसेज यहाँ पर शो होने लगेंगे, चाहे दोस्तों वो किसी भी साइट से आपके पास OTP आए होंगे, जितने भी OTP वाले मैसेज होंगे वो सब यहाँ पर शो होने लगेंगे। और आपके फ़ोन दोस्तों जितने भी ऑफर आए होंगे वो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल में ऑफर वाले मैसेज शो होने लगेंगे। तो दोस्तों ये एक नया ऑप्शन है जो आपको इस Realme 7 Pro में मिलता है इस गूगल की तरफ से। अब दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ज़्यादा दोस्तों डिस्प्ले के अंदर आपको दोस्तों अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। जब आप इसकी सेटिंग में जाते हो तो दोस्तों आपको जाना है नीचे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लाइट मोड और डार्क मोड। तो दोस्तों लाइट मोड में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जब आप इसे ऑन करते हो लाइट मोड पर लगा हुआ है तो इसमें सिर्फ आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। बट दोस्तों जब आप इसको डार्क मोड पर यूज करते हो तो दोस्तों आपके सामने देखिए ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए डार्क मोड सेटिंग में जाना है आपको और यहाँ दोस्तों आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, ये देखिए मीडियम जेंटल ऑरेंज। दोस्तों इसमें क्या है
जब आप इस पहले वाले पर क्लिक करते हो तो आपकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप मीडियम पर करते हो तो थोड़ा हल्का ब्लैक ब्लैक लगेगा आपको डिस्प्ले पे, और जब दोस्तों आप जेंटल वाले पे करते हो इस पर तो आपकी डिस्प्ले दोस्तों सिलेटी कलर की हो जाएगी, यानी कि दोस्तों हल्की ब्लैक, थोड़ी थोड़ी वाइट, हल्की हल्की ब्लैक। तो दोस्तों आपको जिस तरह की डिस्प्ले पसंद है आप उस तरह की डिस्प्ले इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर आया है रियलमी UI 2.0 में और एंड्रॉयड 11 के अपडेट के बाद, तो ये काफ़ी अच्छे फीचर हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अब तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये आता है पासवर्ड के अंदर। जैसे दोस्तों आप अपने पासवर्ड के अंदर जाते हो तो यहाँ देखिए दोस्तों मेरे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों लगे हुए हैं। तो जब दोस्तों आप फिंगरप्रिंट में जाते हो तो जब आप इसे अनलॉक करते हो यहाँ आके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे दो फिंगरप्रिंट सेट है पहले से, और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए फिंगरप्रिंट एनिमेशन। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने काफ़ी सारे एनिमेशन आएंगे दोस्तों। जब आप अपने फिंगरप्रिंट से इस फ़ोन को अनलॉक करोगे तो आपके सामने एनिमेशन दिखाई देंगे। तो मेरे फ़ोन में फिलहाल जिवारा लगा हुआ है, बट आप इसे चेंज कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो। मेरे में जिवारा लगा हुआ है, इसको लगा सकते हो। यहीं दोस्तों आप जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनमें से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। तो ये एक अच्छा फीचर है इस फ़ोन के अंदर जो मुझे दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा। अब दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें जो मुझे इस फ़ोन के अंदर अच्छा लगा वो है दोस्तों इसकी ऐप लॉक सेटिंग। दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी लोग अपने मोबाइल के जो एप्लीकेशन होती हैं काफ़ी उन पर दोस्तों लॉक लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके कुछ पर्सनल डाटा होते हैं जिन पर दोस्तों वो अपना पासवर्ड लगा के रखते हैं। तो दोस्तों उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है अपने प्ले स्टोर से। बट दोस्तों ये सिस्टम इस फ़ोन के अंदर इनबिल्ड दिया गया है, आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए मेरे फ़ोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिनके ऊपर मैंने लॉक लगाया हुआ है, बट जब आप इन एप्लीकेशन को देखते हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसके ऊपर लॉक है या फिर नहीं है। तो दोस्तों देखिए जैसे कि मेरा एक कोटक महिंद्रा बैंक का ये एप्लीकेशन है, जब मैं इसे ओपन करता हूँ ये देखिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने अपना पासवर्ड सेट किया हुआ है और फिंगरप्रिंट भी इनेबल कर दिया है। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, या तो मुझे फिंगरप्रिंट डालना पड़ेगा या फिर दोस्तों मुझे इस पासवर्ड क्लिक करके यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन में जाना है, पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक। यहाँ जाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन आ रहा है नीचे, आपको इस पर जाना है। और दोस्तों पहले मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी पासवर्ड लगाया हुआ है, तो पहले मैं इसे अनलॉक करता हूँ। अब दोस्तों देखिए मुझे मेरी यहाँ पे एप्लीकेशन पर लॉक लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आपके फ़ोन में अगर किसी भी एप्लीकेशन को लॉक नहीं लगाए, आप पहली बार लगा रहे हो, तो दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह से आपके सामने जो ऊपर आ रही हैं जो मेरे लॉक लगे हुए हैं, तो आपके सामने ये तो आएंगी नहीं, आपके सामने ये आएंगी नीचे वाली एप्लीकेशन। तो दोस्तों आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ फाइल मैनेजर पे, या फिर दोस्तों आपको अपने इस प्ले स्टोर पे लगाना है, गूगल प्ले स्टोर पे किसी भी ऑप्शन पे लगाना है, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपको सिर्फ बैक आना है, और दोस्तों आपका जो लॉक है वो इस एप्लीकेशन के ऊपर लग चुका है, आपको और कुछ नहीं करना। तब मैं आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये लॉक मांग रहा है। तो दोस्तों ये एक अच्छा ऑप्शन है इस फ़ोन के अंदर कि आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा सकते हो, और अगर आपको हटाना है तो आप सेम प्रोसेस करके उसे हटा सकते हो, आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आता है दोस्तों हमारा वाईफाई के अंदर। दोस्तों अभी मेरा वाईफाई ऑफ है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जब दोस्तों आपका मोबाइल किसी वाईफाई से कनेक्ट रहता है, नहीं दोस्तों आपका मोबाइल खुद किसी वाईफाई से कनेक्ट है हॉटस्पॉट के द्वारा, या दोस्तों आपका किसी वाईफाई से कनेक्ट है आपका मोबाइल, तो दोस्तों आप उस वाईफाई को दोस्तों अपने मोबाइल के थ्रू किसी और फ़ोन से भी कनेक्ट करा सकते हो बिना किसी पासवर्ड के। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वाईफाई में जाना है। तो दोस्तों जब आपका मोबाइल किसी वाईफाई से कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है QR कोड का, आपको अपने मोबाइल में QR कोड ओपन करना है, और जिस फ़ोन को आप कनेक्ट करना चाहते हो उसमें भी दोस्तों आपको इसी ऑप्शन में जाना है, और वहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, आपको इसे दबाना है, और इस तरह से आपको अपने वाईफाई का जो QR कोड है उसे स्कैन करना है दूसरे वाले फ़ोन से। तो जब आप इसे स्कैन करते हो
तो दोस्तों दूसरा वाला फ़ोन भी उस वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा जिस वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्ट है पहले से। तो ये ऑप्शन दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फ़ोन का। अब दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो दोस्तों वो ये है कि जब भी दोस्तों हमें किसी वीडियो बनाने के लिए, आपने देखा होगा कि जब अपनी मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है प्ले स्टोर से, बट दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपको इस मोबाइल में ही ऑप्शन दिया गया है। जब आप इसको नीचे करते हो तो दोस्तों देखिए आपके मोबाइल में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। जब आप इसे ऑन करते हो तो दोस्तों देखिए जो ऑप्शन आ रहा है ये ऑपन नहीं किया है, बट जब आप इसे एक्टिव कंटिन्यू करके ओपन करते हो तो दोस्तों आप इसमें इसी ऑप्शन से ही अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो और साथ में दोस्तों आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेक वीडियो ऑफ योर फ़ोन स्क्रीन एंड कैप्चर साउंड। तो आप इस तरीके दोस्तों इसमें ही अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो जी दोस्तों, इसमें ये ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ खास फीचर जो इस फ़ोन में अच्छे लगे जिन्हें मैंने आपके सामने शेयर किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये फीचर काफ़ी पसंद आए होंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।